मसीह खुदावन में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम कैरल है और मेरा ताल्लुक सेंट जोसेफ कैथलिक कैथेड्रल इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस से है। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका तीसरा बाप उसकी 7-15 आयात मुकद्दसा। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असरिनों पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहे चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदीमस ने जवाब में उससे कहा कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि क्या तू बनी इसराइल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, फिर अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो तुम क्यों कर यकीन करोगे? क्योंकि आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बयाबान में बुलंद किया, इसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बाप और बेटे रहुल कुछ के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज मोमिनीन, ईद पाशका जो गवाही मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने की ईद है, इसका ज़िक्र कलीसिया ना सिर्फ एक या दो इतवार करती है बल्कि ईद पेंटिकोस तक ये 7 हफ्तों तक इस अजीम ईमानी भेद को मनाती है। दरअसल ये ईद मसीही ईमान की गवाही और तजदीद की ईद है। ज़िंदा यीशु की गवाही जो पहली कलीसिया ने रसूलों की मार्फत सुनी, इस कदर रूह और कुदरत रखती थी कि जिंदा यीशु के नाम पर वो एक दिल और एक जान बन गई थी। उस कलीसिया में तफरका नाम की कोई चीज़ ना थी बल्कि इतिहाद था, मोहब्बत थी, यगानगत थी, सुलह और खुशी उनकी पहचान थी। उनमें कोई झगड़े ना थे बल्कि वो एक तरह से मॉडल या मिसाली कलीसिया थी। इस कलीसिया की रफाकत और शराकत इस हद तक थी कि वो अपना मालो सबाब मुश्तरक जानकर रसूलों के कदमों पर रख देते थे। उनका हकीकी ख़जाना और दौलत जिंदा यीशु पर ईमान और रसूलों की गवाही थी और यही उनकी खुशी भी। मसीह खुदावंद ने मेरे अजीज़ मोमिनीन, हम भी जिंदा मसीह के गवाह बन सकते हैं क्योंकि जिंदा हुए मसीह की सलामती और उसकी रूह का जो रसूलों को मिला था हमें भी मिला है। तमाम बपतिस्मा याफ्ता मसीही बपतिस्मा पाकर मसीह की मौत और उसकी क़यामत में शरीक होते हैं या शिरकत पाते हैं। जिस तरह जिंदा यीशु ने अपने जी उठने की शाम और पेंटिकोस के और अपने रसूलों को रूहुल कुद्स की कुदरत और गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार बख्शा, वैसे ही मसीह खुदावंद बपतिस्मा और इस्तेहकाम निज पाक खिदमत के सैक्रामेंट में अपने ईमानदारों को पाकरू के तहाइफ व फल अता करता है। उसी की बदौलत हम भी अपने ज़िंदा खुदावंद की सलामती हासिल करते हैं।
उसी की सलामती और माफ़ी दूसरों को भी दे सकते हैं। दूसरों को मसीह की सलामती और माफ़ी में कबूल करना ही ज़िंदा मसीह की गवाही देना है। हकीकी खुशी और सलामती माफ़ी का फल है जो खुदा की तरफ से हमें मिलता है। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और उसका रूह हम में भी बहता है, तो लाजिम है कि हम इस रूह की हदायत को हासिल करें। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह की तलकीद करना चाहिए। जब हम रूह की हदायत हासिल करेंगे तो यकीनन रूह के फल भी हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होंगे और ऐसे कामों और ऐसी बातों से किनारा करेंगे जो खुदा और इंसान के लिए काबिल नफ़रत हैं, बल्कि नई इंसानियत में कदम रखेंगे जो खुदा और इंसान के नज़दीक पसंदीदा है। जो रूह की खुशी और दीगर फलों से लदी है उनका ज़िक्र पौलुस रसूल ने इस तरह किया है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल, परहेजगारी है। काश हमारी ज़िंदगी से ऐसे फल पैदा हों ताकि हम जिंदा मसीह के सच्चे गवाह बन सकें। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक तिलावत में हमें खूबसूरत पैगाम मिला है जिसमें कहा गया है कि असर नौ पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चलती है, जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। और वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। तो निकोदीमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि क्या तू बन इसराइल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ो, इस हवाले से हम सीखते हैं कि बहुत सी कलीसियाएँ इस हवाले से ये सबक निकालती हैं कि असर नौ पैदा होने से मुराद बपतिस्मा है, जबकि असर नौ पैदा होने से मुराद यहाँ पे हमें अपने आप को तब्दील करना है, हमें अपने आप के अपने ख्यालात को दुरुस्त करना है और सच्चे दिल से खुदा को कबूल करना और उसकी गवाही को दुनिया में फैलाना है। तो यीशु मसीह से निकोदीमस ने सवाल किया कि क्या कोई दोबारा अपनी माँ के पेट में से पैदा होगा? तो यीशु ने उससे कहा था, मैं तुझसे सच कहता हूँ। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि क्या तू बन इसराइल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता? तो मेरे जो नए सिरे से पैदा होना, अपने आप को तब्दील करना है, पुरानी इंसानियत को छोड़ना और नई इंसानियत को पहनना है। अपने ख्यालात से, अपने कामों से, अपने कॉलोफेल से हमें दिखाना है कि हम यीशु मसीह में नए बन गए हैं, नई ज़िंदगी पा चुके हैं और नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ हमें खुदावंद के वफादार रहना है, ताकि हम उसके गवाह होते हुए, उसके जी उठने की गवाही को आम करते हुए, उसके रसालती कलीसिया का हिस्सा होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को और भी आसान तरीके से अदा करें मसीह खुदावंद के वसीले से।